ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th of August के लिए तीन इंट्राडे स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि कल छुट्टी है, मुहर्रम के लिए हॉलीडे है, तो परसों ही मार्केट ओपन होगा, तो परसों के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले बात तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आ गया, आप देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है, ये फ्री है, यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, कैसे ओपन होने को जा रहा है इंडियन मार्केट, उसके साथ ग्लोबल मार्केट कैसे है, सारे चीज़ें वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, जो मैं लाइव मिलता हूँ उसका लिंक वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना रहे, ताकि उसको मैंने वहाँ पर बनाया है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट फास्ट जो कमेंट है वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल के साथ अलॉन्ग विद मेरा सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका लिंक मिलेगा, जाके आप ऐड हो सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ये बाजार इनसाइट चैनल के अंदर मैं डेली बेसिस मिलता हूं आप लोगों के साथ, मॉर्निंग में एक लाइव करता हूं, लाइव मार्केट जो चलता है 10:30 बजे के बीच लाइव करता हूं, उसके साथ जो स्विंग ट्रेड रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर वीडियो डालता हूं, उसके साथ ये जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूं तीन इंट्राडे स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए वो डालता हूं, तो इतना कुछ आपको ये बाजार इनसाइट चैनल के अंदर मिलता है। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। चल पड़ते आज के वीडियो के ऊपर, और जो नेक्स्ट डे के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो 10 तारीख के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा वो टाटा मोटर्स के ऊपर रहेगा। तो ये रहा टाटा मोटर्स के चार्ट, आप देखिए, पहले इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका लेवल बताऊंगा। तो ये रहा चार्ट, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है, पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है, तो इसके अंदर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस हिट हुआ था, उसके बाद दोबारा नीचे आया, दोबारा वही जगह पर जाकर रेजिस्टेंस हिट हुआ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली नीचे आ गए और इस सपोर्ट लाइन के आसपास टेस्ट किए, उसके बाद हम लोग वहीं पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बीच में चल रहा, अब ये लाइन जो है, ये लाइन ये इंपॉर्टेंट बन गया है, बेसिकली ये एरिया जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इसका स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर यानी कि 474 बेसिकली ये एरिया आप देखिए, यहां पर लास्ट टाइम यहां पर जो हाई लगाया था, तो इस एरिया के ऊपर जाएगा और इस लाइन के आसपास इसको ब्रेक करेगा, तो इसके ऊपर से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 474 के लेवल के ऊपर अगर 10 मिनट एटलीस्ट ट्रेड होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए 474 के ऊपर, तभी हम लोग इसको बाय करेंगे। अदरवाइज अगर एक बार ब्रेक करके नीचे चले आते बाय नहीं करेंगे 474 के ऊपर, एटलीस्ट 10 मिनट्स उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, तब हम लोग उसको बाय करेंगे। अब इसका सेलिंग लेवल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले दो स्क्रीनशॉट यहां पर आएगा। पहले जो स्क्रीनशॉट है, ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं जो ऑप्शन के ऊपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं, आज भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया यहां पर, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स ऑप्शन सारे ऑप्शंस के ऊपर मैं इंट्राडे में काम करवाता हूं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं, कहां पर बाय करना है, कहां पर एग्जिट करना है, बीच में अगर कोई भी चेंज होता है मार्केट के ऊपर तो वो मैं बताता हूं। तो एकदम लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है आपको वहां पर, इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है, छोटा सा फीस है 699 पर मंथ का, तो अगर आपको सही लगता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक स्क्रीनशॉट आ गया, यह देखिए मेरा इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे सपोर्ट जो प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं, यहाँ पर भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, बीच में कोई चेंजेस आता है तो बताता हूँ, सारे चीज़ें यहाँ पर रहता है। आज भी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया, तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है, तो ऑप्शन के ऊपर 699, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 599 पर मंथ का, जो भी आपको सही लगे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। अब टाटा मोटर्स का सेलिंग लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर नीचे जब आया, ये डॉटेड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, अब दोबारा ये एरिया, ये सपोर्ट एरिया यहां पर कायम है, तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा तो ये कहीं ना कहीं नीचे जा सकते हैं, इस एरिया के नीचे यानी कि 467 के नीचे, अगर फिर भी अभी जाता है 467 के नीचे जाके थोड़ा बहुत सस्टेन होता है, 10 मिनट उसके नीचे ट्रेड होता है, तभी हम लोग उसके नीचे से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। तो दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया, बात मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, मैं यहां पर चार्ट खोल के डिटेल में एनालिसिस करता हूं जैसे अभी किया, उसके बाद मेरा एक व्यू
व्यू लेवल्स में शेयर करता हूँ, तो दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। सेकंड व्यू है, हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसको रिव्यू कर देते, तीन स्टॉक बताया था उसको रिव्यू कर देते कैसे परफॉर्मेंस रहा उसका। तो फास्ट जो स्टॉक मैंने बताया था उस दिन वो था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर 1045 के ऊपर सस्टेन होने से बाय मैंने बोला था, तो अब देखिए यहाँ पर जब मॉर्निंग में यहाँ पर 1045 के ऊपर सस्टेन हुआ, डायरेक्टली हम लोग ऊपर चले आए, यहाँ पर हाई लगाया जो है 1058 के आसपास। तो अब देखिए हम लोगों का जो टारगेट था ये यहाँ पर हिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया। सेकंड जो था कोल इंडिया के ऊपर 210 के ऊपर मैंने बाय बोला था, अब देखिए यहाँ पर 210 के ऊपर सस्टेन हुआ था यहाँ पर बहुत टाइमों से, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग ऊपर चले, अब देखिए यहाँ पर हाई लगा 215-16 के आसपास, जो कि हम लोगों का दोनों टारगेट है यहाँ पर हिट हुआ, बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। थर्ड जो था ITC, हम लोगों का 312 के ऊपर सस्टेन होने से बाय करने का बात हुआ था, अब देखिए यहाँ पर 212 के ऊपर सस्टेन हुआ, उसके बाद हम लोग ऊपर चले यार यहाँ तक हाई लगाया जो कि हम लोगों का 314 के आसपास, अभी भी ये 314 के आसपास चल रहा है फास्ट टारगेट के आसपास। तो तीनों के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, टारगेट हिट हुआ। अगर आपको इसको मैंने जो बताया उसको रिव्यू करना जो मैंने करा उसको मैच करवाना है, आप जा सकते हैं मेरे चैनल के अंदर, लास्ट डे के लिए 8 अगस्त के लिए वीडियो आपको मिलेगा, देख सकते हैं मैच करके। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, सारे चीज़ें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, कोई छुपाने वाला बात नहीं है, मैं ओपनली बोल सकता हूँ कितना प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग को होता है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक, तीन स्टॉक डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाना है, बाजार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए। चल पड़ते अब हम लोग का सेकंड व्यू में, और जो सेकंड स्टॉक रहेगा परसों के लिए वो हम लोग देख लेते हैं, वो रहेगा हम लोग का एक मेटल सेक्टर स्टॉक JSW स्टील के ऊपर। और इसके ऊपर मैंने यहां पर एक ड्रॉ किया है, एक डिसजॉइंट चैनल यहां पर मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो रेंज है ये बड़ा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो इसका यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, अब ये जो एरिया है इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। तो ये 674 इसका रेंज आ रहा है, 674 के ऊपर जाएगा, और ये एरिया बेसिकली ये जो लास्ट वाला ये जो टॉप बनाया था तो इसके ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर 10 मिनट एटलीस्ट सस्टेन होगा, उसके ऊपर 10 मिनट ट्रेड होगा तो हम लोग उसको उसके ऊपर से बाय कर सकते हैं। और इसका जो सेलिंग लेवल रह गया यहाँ पर, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट बन गया, इसके नीचे जाएगा तो डिसजॉइंट जो चैनल है उसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको टेस्ट करेगा, यानी कि 662 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है, बेसिकली ये एरिया के लो 662 के नीचे अगर 10 मिनट एटलीस्ट ट्रेड होता है, अगर ऐसा होता है तब हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी करेंगे। दोनों कैश का लेवल मैंने दे दिया है, बाइंग लेवल सेलिंग लेवल अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। थर्ड एंड फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीन पे आ गया है मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका मैं बात कर लेता हूं। 20 आवर्स का यहां पर सेशन मैं देता हूं और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, ऐसा नहीं कि आप एक बार देख पाएंगे, आप जितना बार खुशी अब उसको देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलेगा बैठ के देख सकते हैं, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस A to Z वहां पर है, बेसिक टू एडवांस लेवल, एक कैसे इंट्राडे में हम लोग लॉस को अवॉइड कर सकते हैं उसका रूल्स है, उसके साथ कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, कहां पर स्टॉप लॉस, कहां पर टारगेट सेट करना है, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी उसके अंदर है, चार्ट रीडिंग पूरा के पूरा है, उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन के ऊपर 16 स्ट्रैटेजी, बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। और अगर उसके बाद ये देखने के बाद अगर आपको डाउट रहता है, आपको वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है, उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं है। ऑफर प्राइस चल रहा है 999 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, ऐसा ऑफर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सीखना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर कोर्स बुक कर रहे हैं, अगर आपको करना है आप मुझे व्हाट्सअप करके सीट बुक अपना कोर्स का बुकिंग कर सकते। चल पड़ते हैं फाइनल एंड लास्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, यहां पर बहुत मेहनत करके मैं डेली बेसिस आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके। लास्ट वीडियो का लाइक टारगेट 150 दिया था, आप लोगों ने 200 के ऊपर कर दिया, मेनी मेनी थैंक्स। इस वीडियो का टारगेट भी मैंने दे रहा हूं 145, तो अगर आपको मुझे थोड़ा मोटिवेट करना है आप मुझे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर कमेंट करके जाना कैसे लगता है इस कार्यक्रम को, कैसे उसको और भी इंप्रूव कर सकते, कोई भी सजेशन सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में, लेकिन कमेंट, शेयर और वीडियो को लाइक करना
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चल पढ़ते फाइनल व्यू में दोस्तों। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का आईटी सेक्टर स्टॉक टेक महिंद्रा के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं, और इसका जो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था उसके बाद ये नीचे आ गया डॉटेड लाइन के। अब देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इस टॉप को अब ये ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, तो ये स्ट्रेंथ दिखाएगा यानी कि 1064 के ऊपर। तो 1064 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन होता है, 10 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेड होता है, तब इंट्राडे में हम लोग उसको बाय करेंगे 10 तारीख को। तो अब देखिए यहाँ पर लेवल मैंने दे दिया और इसका सेलिंग लेवल क्या रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया है दो बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, उसके बाद ये एरिया सपोर्ट ले रहा है, अभी भी उसके एरिए के नीचे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एरिए को अगर ये ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ ये कटेगा, तो उसके नीचे यानी कि ये जो एरिया आ रहा है 1050, तो 1050 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो, और 10 मिनट एटलीस्ट 1050 के नीचे ट्रेड होता है, तब इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल दे दिया स्क्रीन पे, अपने प्रीवियस कैपिटेट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों एंड स्क्रीन में मैं दो वीडियो जोड़ रहा हूँ, मेरा जो लास्ट रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने जो डाला था उसका वीडियो का लिंक मैंने स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कमा सकते हैं उसके अंदर, आप जाके देख सकते हैं। और मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका एक डेमो क्लास है कैसे रहता है, और इस डेमो क्लास के कमेंट सेक्शन में उसका रिव्यूज़ है, जो दोस्तों ने किया है मेरे पास, जो स्टूडेंट्स ने अटेंड किया उसका रिव्यूज़ है, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।